हेलो एवरीवन, वेलकम है आपके अपने प्लेटफॉर्म महादेव क्लासेस जोधपुर पर। तो हम कर रहे थे प्रैक्टिस सेशन, जिसमें से हमने 7 प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को इससे पहले के जो वीडियो हैं वो ज़रूर देखें। प्रैक्टिस सेशन 7 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हम कर रहे थे PYQ प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन और MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हम टॉपिक वाई क्वेश्चन कर रहे थे जो हमारे राजस्थान के विभिन्न एग्जाम जैसे पशु परिचर, CET, PTT, BSTC राजस्थान के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना या फिर पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेशन नंबर 8। हमारा टॉपिक है राजस्थान के त्यौहार। तो सभी को जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, गणगौर त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो गणगौर त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र में, वैसाख में, श्रावण में या भाद्रपद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैत्र में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। हाल ही में अब चैत्र का महीना चल रहा है और गणगौर त्यौहार भी चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आराम से हमें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? ऑप्शन ए है श्रावण में, ऑप्शन बी है वैसाख में, ऑप्शन सी है चैत्र में, ऑप्शन डी है भाद्रपद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रावण में जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी की गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो ऑप्शन ए है नाथ द्वार, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है बूंदी, ऑप्शन डी है जोधपुर। तो जो राजस्थान में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, वो मनाई जाती है नाथ द्वार में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन हिंदू त्यौहार के बारे में सही है? कथन एक है कि अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया से सुमेलित है, या फिर कथन नंबर 2, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से संबंधित है, या कथन तीसरा है अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया से संबंधित है। कथन 4 है निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि कथन 1 और 2 इसका सही आंसर होगा, या फिर ऑप्शन बी है कथन 3 और 4 इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी है केवल जो तीसरा कथन है वो इसका सही आंसर है, या फिर ऑप्शन डी है कथन 1 और कथन 4 इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2, अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। बाकी कथन 3 और कथन 4 इस गलत हैं, जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया नहीं मनाई जाती और निर्जला एकादशी भी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को नहीं मनाया जाता है, बल्कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की संस्कृति में मुगधना क्या है? माताजी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों को बांटना है, या फिर वधू को मूंग और घी खिलाना है, या ऑप्शन सी है लाख की चूड़ियां जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, ऑप्शन डी है भोजन पकाने के लिए लकड़ियों जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, भोजन पकाने के लिए लकड़ियों जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, विनायक यानी गणेश जी की स्थापना के पश्चात लाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है श्रावण शुक्ल अष्टमी को, ऑप्शन बी है श्रावण कृष्णाष्टमी, ऑप्शन सी है चैत्र कृष्ण अष्टमी, या ऑप्शन डी है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को राजस्थान में गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, गोगा नवमी कहा जाता है? गोगा नवमी किसे कहा जाता है? भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाता है, या ऑप्शन बी श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, या ऑप्शन सी है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को, ऑप्शन डी है श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर किया जाता है? तो ऑप्शन ए है मेड़ता में किया जाता है, या ऑप्शन बी गोट मांगलोद, या ऑप्शन सी है पर्वतसर में, या ऑप्शन डी है नागौर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतसर में तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, या जोधपुर में? तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर देवे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर में मरु महोत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वैशाख शुक्ल तृतीय और सावन कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं या मनाए जाते हैं? ऑप्शन ए है बड़ी तीज और ऋषि पंचमी, ऑप्शन बी है आखा तीज और नाग पंचमी, ऑप्शन सी है छोटी तीज और बसंत पंचमी, ऑप्शन डी है गणगौर और रक्षाबंधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आखा तीज और नाग पंचमी, वैशाख शुक्ल तृतीया और सावन कृष्ण पंचमी को ये त्यौहार मनाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा को, या निडरी नवमी को, या योगिनी एकादशी को, या नेवलाष्टमी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निडरी नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, या करौली में? तो जो घोटिया अंबा का मेला है वो आयोजित होता है बांसवाड़ा में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद में, या चैत्र, या पौष, या सावन में? तो जो कजली तीज सातुड़ी तीज है वो भाद्रपद में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? इनमें से मरु महोत्सव है, या महोर उत्सव है, दोरारा उत्सव, या राजस्थान उत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है? तो जो मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? राजस्थान का जो पर्यटन विभाग है वो ऊंट महोत्सव कौन से ज़िले में आयोजित करता है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, या बीकानेर में? तो राजस्थान का पर्यटन विभाग बीकानेर में ऊंट महोत्सव आयोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बचबारस को, राधा नवमी को, जल जूलनी एकादशी को, या अनंत चतुर्दशी को? तो बचबारस को गाय की बछड़े सहित गाय की पूजा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17,
गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 14 दिन तक, 15 दिन तक, 18 दिन तक या 19 दिन तक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 दिन तक गणगौर त्यौहार मनाया जाता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के सेशन को हम यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।